हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोको F1 की बैटरी को कैसे रिप्लेस करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं, जिससे आपको पता लग पाए कि आपको अभी अपनी पोको F1 की बैटरी जो है वो अभी रिप्लेस करने की ज़रूरत है करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में। तो जो पहली चीज़ जो रहेगी, आपको अपने फ़ोन में जो हमारा ईयर पीस या फिर बोलूँ यहाँ पर जो स्पीकर का पार्ट होता है या फिर जहाँ चार्जिंग पोर्ट होता है वहाँ पे अपना जो नाक होता है उसको रख के हल्का सा आपको इसका स्मेल लेना है, ताकि आपको पता चल सके कि बैटरी में कुछ दिक्कत है, ठीक है। मतलब जब भी आपका फ़ोन की बैटरी जो है थोड़ा जल्दी ड्रेन होना स्टार्ट करेगी तो वहाँ पर आपको हल्की सी स्मेल भी देखने को मिल सकती है, अगर उसको आप बहुत ही ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे तो, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ ध्यान में रखोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि उसके बाद अगर आप अभी ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा कि यहाँ पर आपकी बैटरी फूल जाएगी और आपका डिस्प्ले जो होता है वो ख़राब हो जाएगा। मतलब यहाँ से क्रैक हो जाएगा आपका फ़ोन का डिस्प्ले पूरा, ये पूरा जो आपका जो ये स्क्रीन होता है पूरी तरह से क्रैक हो जाएगा अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले ही पता लग जाता है आपकी बैटरी अगर थोड़ा सा दिक्कत दे रही है, थोड़ा ड्रेन हो रहा है बैटरी फास्टली और आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो धीरे धीरे क्या होता है कि यहाँ पर जो है बैटरी जो है यहाँ पे स्मेल करना स्टार्ट कर देती है। तो ये चीज़ें अगर आप पहले ही नोट डाउन करोगे तो इससे आपका डिस्प्ले क्रैक होने से बच जाएगा। तो ये चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है, ठीक है। तो मेरे केस में भी यही हो रहा है, अभी थोड़ा सा हल्का सा स्मेल आ रहा है मेरे फ़ोन में से और यहाँ पर बैटरी जो है बहुत ही फास्ट ड्रेन हो रही है। तो आज हम इसका जो है यही सॉल्यूशन जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा पूरा, यहाँ पर फ़ोन को ओपन करके मैं यहाँ पर बैटरी को कैसे बिल्कुल रिप्लेस करना है पूरा डिटेल में यहाँ पर मैं आपको गाइड देने वाला हूँ, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि आपका डिवाइस जो है वो लोगो पे चालू बंद होना स्टार्ट होता है, या फिर आप इसको जब चार्ज पे लगाते हो यहाँ पर जो है चार्जिंग का लोगो दिखता है बट एक्चुअली जो है यहाँ पर चार्ज होता नहीं है आपका डिवाइस। तो कुछ कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ सॉफ्टवेयर का इशू है, बट नोट दैट कि ये सॉफ्टवेयर का इशू नहीं है। सॉफ्टवेयर का इशू आपको कुछ इस तरह देखने को मिल सकता है, अगर आपका डिवाइस जो है वो फास्ट बूट के लोगो पे अटका होगा तो वो जो है सॉफ्टवेयर इशू में हम उसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन जो अभी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर लोगो आना चालू बंद होना, तो ये जब चार्ज पे लगाओगे तब होता है, तो उस केस में समझ जाना कि ये बैटरी का इशू है। तो ये चीज़ें आप नोट डाउन करोगे, इनको समझोगे, इन पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे इन चीज़ों को तो आप अच्छे से समझोगे कि बैटरी का इशू है करके। चलो अभी डायरेक्टली हम वीडियो पे बढ़ते हैं, आगे डायरेक्टली प्रोसेस पे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जो है एक नॉर्मल आप कोई भी स्क्रू ड्राइवर वगैरह ले सकते हो, टेस्टर वगैरह ले सकते हो, जिसमें आपका एकदम जो लास्ट में जो पॉइंट होता है वो एकदम बारीक हो जाना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर इसके जो स्क्रूज़ होती हैं वो थोड़े से कुछ इस तरह के रहेंगी, ये जो है नॉर्मल स्क्रू नहीं होता है, तो इसके लिए आपको पास किट होना चाहिए, जो मोबाइल रिपेयरिंग जो किट होता है जिसमें हम अलग अलग टाइप के यहाँ पर जो ड्राइवर्स होती है तो उस टाइप का आपको यहाँ पर किट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन विदाउट किट अगर आप चाहते हो तो आपको कोई भी टेस्टर या फिर कोई भी बारीक सा जो है स्क्रू ड्राइवर टाइप लेना पड़ेगा, और उसको अगर आप धार लगा दोगे तो इस तरह से आप नॉर्मल उसको जो है ये जो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो वन साइड है, तो इस तरह से भी ये भी चल जाएगा। तो मैंने इसी का यूज़ करके यहाँ पे दो स्क्रूज़ ओपन किए हैं, ठीक है। तो दो स्क्रूज़ पहले ओपन कर लोगे, देन उसके बाद सिम इजेक्टर आपको जो है सिम स्लॉट बाहर निकाल लेना है। देन यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले यहाँ पे जो सिम स्लॉट का जो सेक्शन है यहाँ पे प्रेशर देना है आपको, यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा हल्का सा नाखून होना चाहिए, उससे जल्दी ये निकल जाएगा, ओके। तो यहाँ पर आपको प्रेशर देना है यहाँ पे, तो इस पे प्रेशर देके आपको कुछ इस तरह से इसको आगे ले जाना है अपने फिंगर को, तो इस तरह से आगे जाओगे तो ये इस तरह से ओपन होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। मैंने इसको ऑलरेडी एक बार ओपन किया है इसलिए ये जल्दी अभी ओपन हो रहा है, लेकिन आपको फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा इशू हो सकता है, ठीक है। तो आपको इस तरह से जो है इस तरह से अपना जो नाखून होता है इसके अंदर गड़ाकर इसको आगे आगे ले जाना है, तो इस तरह से हम आगे आगे ले जाएंगे, उसके बाद ये इस तरह से ओपन हो जाएगा पूरा, और हल्का सा यहाँ पे जो है साउंड भी आना लगेगा जैसे आप इसको पूरी तरह से ओपन कर लोगे। तो ये जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये पूरी तरह से ढक्कन ओपन हो चुका है, तो अगर इसको आप डायरेक्टली खींच दोगे तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर का यहाँ पे पत्ता होता है तो वो कट जाएगा, तो यहाँ पर जो है आपका सेंसर डैमेज हो सकता है, मतलब जो पत्ता होता है वो डैमेज हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एकदम धीरे से जो बटन वाला सेक्शन होता है इस साइड से आपको एकदम केयरफुली इसको थोड़ा सा ऐसे खींचना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो पत्ता का साइड होता है वो इस साइड में रहेगा, तो आप इस तरह से इसको ध्यान से निकालोगे। अगर नहीं निकल रहा है तो यहाँ पर आप कोई भी हल्का सा स्केल या फिर कोई भी चीज़ यहाँ पर डाल सकते हो जिससे आप थोड़ा सा इसको उठा सको, तो यहाँ पर आप कोई भी जो स्केल होता है ना हमारा वो स्केल भी डाल के यहाँ पर आप
निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक लॉक सिस्टम होता है कैमरे के पास, तो ये जो है लॉक सिस्टम रहेगा। वैसे मेरे को कोई ज़रूरत नहीं पड़ी इन चीज़ों की, तो लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसके लिए, ठीक है। और सेंसर वाला जो सेक्शन होता है वो यहाँ होता है, और ध्यान रखिए यहाँ पर पत्ता डैमेज नहीं होना चाहिए, इसलिए स्केल को एकदम अंदर भी मत घुसेड़ देना, ठीक है। ओके नेक्स्ट, यहाँ पर उसके बाद जो है आपको ये वाला जो सेक्शन होता है इसको ओपन करना होगा, क्योंकि हमें बैटरी को रिप्लेस करना है, राइट। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे भी आपको जो है स्टार वाला स्क्रू ड्राइवर लगेगा या फिर टेस्टर जो भी है, बट मेरे पास स्टार वाला है नहीं तो मैं यही यूज़ करूँगा। इसको मैंने ऑलरेडी धार लगाकर इसको एकदम बारीक बना लिया है जो कि इसमें बैठ सके। तो आपके केस में जो है आप जो है मोबाइल रिपेयरिंग का जो किट आता है वो यूज़ में ले सकते हो, जिसमें ऑल टाइप स्क्रू ड्राइवर्स के जो है ड्राइवर्स रहेंगी, ताकि आप उसको ओपन कर सको, ठीक है। तो मैं इसको अभी ओपन कर लेता हूँ फटाफट, और उसके बाद हम जो है यहाँ पर बैटरी को रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको बैटरी भी दिखाऊंगा कि मैं यहाँ पर कौन सी बैटरी यूज़ कर रहा हूँ, ओरिजिनल यूज़ करूँगा, लोकल यूज़ करूँगा, कितने की पड़ी, क्या पड़ा, सब चीज़ें यहाँ पे डिटेल में हम कवर करेंगे, और कितने मंथ की वारंटी है। और जो प्रेजेंटली आप देख पा रहे हो यहाँ पर, इसके अंदर जो अभी प्रेजेंटली जो बैटरी लगाई हुई है वो लोकल बैटरी है, जो कि RD कंपनी की है। और इस बैटरी को लगा के कुछ मेरे केस में 3 साल कम्प्लीट हो चुके हैं, और 3 साल कम्प्लीट होने के बाद फाइनली अब भी ये बैटरी जो है मतलब बैकअप देना ख़त्म हो चुका है इसका, तो अभी बैकअप नहीं दे रहा है बिल्कुल, एकदम फास्ट इंस्टेंटली ये जो है उतर रही है चार्जिंग। ओके चलो वो सब तो ठीक है, अभी फटाफट मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है कैसे करना है सब कुछ डिटेल में आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर मैंने सारे स्क्रू निकाल लिए हैं इसके, तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। ओके एक स्क्रू बचा है, इसको भी निकाल लेते हैं। ओके सारे स्क्रू निकाल लिए हैं, याद रखिए ये सेंसर का जो पत्ता होता है उसको ज़्यादा मरोड़ना नहीं है वरना ये टूट जाएगा। तो यहाँ पर आपको धीरे धीरे से इसको निकालना है इस तरह से, ठीक है। आप कोई चीज़ नुकीली चीज़ भी यूज़ कर सकते हो अगर इसको आपको निकालना हो तो, बट बेटर रहेगा कि आप अपने हाथों से ही फिंगर से ही निकालो, ठीक है। अगर नहीं निकल रहा हो तो एकदम आराम से आप इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से लगाओगे और हल्का हल्का इसको उठाओगे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको हम इस तरह से बाहर निकाल लेंगे, तो इस ये कुछ इस तरह से रख देंगे। और सबसे पहले आपको सेंसर वाला जो पत्ता वाला जो वायर होता है उसको हटा लेना है, ताकि इसको कोई दिक्कत ना हो। तो ये हटा दिया हमने, ओके। तो ये रहा हमारा बैटरी वाला सेक्शन, और ये जो पत्ता है ये भी आपको सबसे पहले इस पत्ते को हटाना होगा, क्योंकि ये जो पत्ता है ये चार्जिंग से यहाँ पे जो है कनेक्टेड रहेगा नीचे वाले हमारे प्लेट को। ओके तो ये रहा हमारा बैटरी वाला कनेक्टर, इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे, ये बैटरी कनेक्टर है। ओके सो उसके बाद आप जो है बैटरी को यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हल्का सा टेस्टर लगा लेता हूँ और इसको हल्का से यहाँ पर ऊपर उठा लेता हूँ, तो उसके बाद हम इसको निकाल सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे इसको निकाल के इस तरह से इसको ऊपर खींचेंगे तो भी बैटरी ऊपर आ जाती है। तो ये देखिए मैंने बैटरी यहाँ पे निकाल के रखी है। तो ये भी लोकल बैटरी थी जो कि मैंने अभी कुछ 3 साल पहले लगाई थी, RD कंपनी की ये बैटरी है, काफ़ी अच्छी चली, कोई दिक्कत नहीं हुआ, बहुत ही सही इसने बैकअप दिया, लेकिन अब इसका काम हो चुका है तमाम। ओके और इसको मैं निकाल लेता हूँ, वैसे आप इस पन्नी को खींच के निकाल दोगे तो जल्दी निकल जाता था, बट मैंने डायरेक्टली, अभी बैटरी ख़राब हो ही चुकी है सो मैंने डायरेक्टली उसको टेस्टर से निकाल लिया। और यहाँ पर जो मैं अभी प्रेजेंटली जो बैटरी मैं लेके आया हूँ ये भी लोकल बैटरी है, जैसे कि आप देख पा रहे हो मेक पावर करके, और ये बैटरी मेरे को कुछ 600 रुपये की पड़ी है। वैसे ओरिजिनल बैटरी की प्राइस कुछ 1500 या फिर 1200 कुछ पड़ रही है, लेकिन मैं अभी लोकल बैटरी से ही खुश हूँ फिलहाल के लिए, मुझे कुछ ज़्यादा यहाँ पर जो है बजट इस पर खर्च नहीं करना था तो मैंने यही बैटरी परचेज़ कर ली। तो ये है मेक पावर बैटरी, और यहाँ पर मुझे कुछ 6 मंथ्स का जो है वारंटी यहाँ पर जो है यहाँ पर देखने को मेरे को मिला है, ठीक है। तो चलो मैं इसको अटैच कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आप जो है इसको इस तरह से स्ट्रिप को यहाँ पर लगा दोगे कनेक्टर को। ओके बैटरी कनेक्टर यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, तो एक बार इसको मैं हल्का सा यहाँ पे ऑन करके देख लेता हूँ।
तो जैसे कि आप देख पा रहे हो फ़ोन बिल्कुल यहाँ पे चालू हो चुका है। अब कुछ सेकंड रुकते हैं, इसको होने देते हैं चालू। आई थिंक मैंने यहाँ पर कौन सी रोम है मुझे याद नहीं है, काफ़ी टाइम से बंद पड़ा था फ़ोन। ओके, शेप शिफ्ट का यहाँ पर रोम इंस्टॉल्ड है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो बैटरी परसेंटेज वगैरह सब कुछ शो हो रहा है प्रॉपरली। सो इस तरह से जो है आप रिप्लेस कर लोगे, और फिटिंग करना सिंपल है। सबसे पहले तो मैं डिवाइस को ऑफ़ कर लूँगा। ओके, फ़ोन तो बिल्कुल सक्सेसफुली स्टार्ट हो ही चुका है। तो सबसे पहले चीज़ें, वही चीज़ें हम यहाँ पे इसको फिर से लगा लेंगे। याद रखें, यहाँ पर इस प्लेट को लगाने से पहले आपको अपना फिंगरप्रिंट का जो होता है ना, ये चीज़ लगाना मत भूलना, अदरवाइज़ आप डायरेक्टली लगा दोगे भूल के तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर का भी मैंने यहाँ पे जो है पत्ता ऐड कर लिया है, मतलब कनेक्टर जो होता है वो लगा लिया मैंने। अब सिंपली अब मैं इस बैटरी को इस प्लेट को लगा लेंगे। बट यहाँ पे अगर देख पा रहे हो तो ये थोड़ा सा ना नीचे हो चुकी है बैटरी, सो मेरे को थोड़ा सा इसको ऊपर लगा लेना चाहिए। सो आई थिंक मैं उसको लगा लेता हूँ थोड़ा सा ऊपर, वरना दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। सो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा निकाल लेता हूँ, और तो यहाँ पर जो है पूरा हमारा हो चुका है, बैटरी का सेटअप वगैरह हमने सब कर लिया है। अब देखते हैं कि ये कैसे बैकअप देता है। वैसे 6 मंथ्स का इसका वारंटी है इस बैटरी का, और देखते हैं कि अब ये कैसा बैकअप देगा। अब वीडियोस जो है आपको देखने को मिल ही जाएंगी इस पर, तो मैं आपको बताते जाऊँगा कि कैसे क्या रहेगा, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आएंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को, और हो सके तो अगर आप पहली बार आए हो अपने चैनल पे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे अपने चैनल पे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलेंगे। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।